आज मैं आपके लिए एक नई डिश लेके आई हूँ। ये उबला हुआ आलू है जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये अदरक लहसुन पेस्ट है, कैबेज है इसे भी ग्रेट करके रखा हुआ है एकदम बारीक, और ये कैरेट है इसे भी ग्रेट करके रखा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं मसाले क्या लगेंगे। ये हरी धनिया है इसे चॉप करके ले गए हम, और एक गरम मसाला है अपना घर का बना हुआ, ठीक है। और मिर्ची पाउडर है बस, और कुछ नहीं, नमक डालेंगे बस। तो ये अदरक लहसुन पेस्ट डाली हूँ मैं, तो उबले हुए आलू है, एक कैबेज है, सभी को अपने को मिक्स कर लेना है। क्या करना है, फिर मसाले डालने हैं। मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से, जैसा तीखा खाते हो, ये मेरे घर में तीखा खाते हैं। एक गरम मसाला घर का पिसा हुआ, एक चम्मच काफी है। अब ये धनिया है चॉप करके डालेंगे, ठीक है। धनिया ऐड कर रही हूँ, हरी धनिया। मैंने हरी धनिया डाल दी हूँ चॉप करके, अब ये काला नमक डाल दी, थोड़ा इससे टेस्ट अच्छा आएगा अपना। ये सादा नमक है, अब अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हाथ से बेस्ट रहेगा, चम्मच से उतना अच्छे से नहीं होगा। हाथ अच्छे से साफ कर लीजिएगा, किचन में तो हमारे हाथ साफ ही रहते हैं, है ना। आप इसमें क्या बोलते हैं, खटाई भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, थोड़ा चटपटा चाहिए तो। मुझे चटपटा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने काला नमक ऑलरेडी डाल दी हूँ। देखिए अपना मिश्रण अच्छे से एकजुट हो गया, कलर भी कितना सुंदर आया ना, एकदम अच्छा दिख रहा है। अब इसको नमक टेस्ट कर लेना अपने, ठीक है। थोड़ा सा लेके ऐसा हाथ में लेके मुंह में डाल के देख लेने का, परफेक्ट। यहाँ पे मैंने पैन गरम करने रखी हूँ, ठीक है। ऑयल डाल लेती हूँ। एक काम अपने को पहले करना है, क्या करना है पहले, क्योंकि तेल और पैन अच्छे से अपना गरम होना चाहिए। ऐसे अच्छे से घुमा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना बैटर है, बैटर है, और ये चावल का आटा है, ठीक है, चावल का आटा। अब इसको ऐसे हाथ पे लेके जो चाहिए वो सेव दीजिएगा। मैं ऐसा थोड़ा ठीक है ऐसा सेव देख के चावल के आटे में कोट कर लेगी, कोट करके एक्स्ट्रा आटा निकाल लीजिए। वैसे करके एक प्लेट में रेडी कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये मैंने अपने देखिए आलू फिश रेडी कर ली हूँ। मैं तो इसे आलू फिश ही नाम दूंगी, आप एक बार खा के मुझे बताइएगा। तो आइए तेल में डालते हैं। तो अपना तेल भी अच्छे से गरम हो गया, अगर आप वेजिटेरियन है ना तो आप ये खा सकते, एकदम टेस्टी और हेल्दी डिश। आपके पैन में एक साथ में जितनी आती है उतनी ऐड करिएगा,
तेल को ऐसे इसको गोल्डन क्रिस्पी फ्राई करके देना है, ठीक है। चावल का आटा लगाने से ना ये चिपकता नहीं है, अच्छा हो जाता है, एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तेल को ऐसा ना सब जगह कम से कम तेल में अपना काम हो जाता है। इसको ऐसे उठा के ऐसे करके एकदम आराम के साथ, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, सभी का इक्वल कलर आया है, नहीं कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। इसी तरीके से सब जगह अपने को कलर इसको देना है, ठीक है। एकदम ध्यान से आप वीडियो बन देखेंगे ना, आपकी भी डिश ऐसी बनेगी। मैंने तो ये सही से उठाई नहीं है, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। जब हम लोग के घर में फिश या कुछ खाने का मन करता है ना, तब मैं ट्राई करती हूँ। लो मीडियम स्लो मीडियम आपको करना है। तो ये अपना पूरा रेडी है अच्छे से, देखें। अब मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डिश बनके हो चुकी है रेडी। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसकी कलर आया है और ये टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने अभी जस्ट टेस्ट किया इसे, ये कितना अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से इतना ही क्रंची इतना ही अंदर से सॉफ्ट है, ये इतना अच्छा है, दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसे तो चटनी के साथ खाना चाहिए क्योंकि ये इतना अच्छा लगता है और तीखापन भी आता है ना स्पाइसीनेस एक्स्ट्रा से, अच्छा लगता है वो। खाद दो लाइक से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा नया वीडियो आया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।